मध्य प्रदेश में इस वक्त यात्राओं का दौर जारी है। भाजपा ने पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है तो कांग्रेस के द्वारा भी जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली गई है। यह यात्रा आज बालाघाट पहुंची, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिनसे हमारे द्वारा चर्चा की गई। कांग्रेस की इस यात्रा का चुनाव में कितना असर होगा यह तो समय ही बताएगा। हमारे साथ में बालाघाट के पूर्व सांसद बोसी भगत मौजूद है, जो अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन किए हैं और कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ में बोसी भगत सी है, जी है, इनसे चर्चा करते हैं। सर, आप लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या मूड है जनता का? जबरदस्त, शिवराज सिंह की जो भाजपा सरकार है, जनता में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने 18 साल में इस क्षेत्र को खोखला कर दिया और कर्ज के बोझ से लाद दिया और जनता को जो मूलभूत सुविधाएं वो भी कोई समस्या हल नहीं कर पाया। और इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से इसकी ये विदाई यात्रा है भाजपा सरकार की, शिवराज सरकार की। आपने पहले आप बीजेपी में थे, कांग्रेस में हैं, अब क्या कारण था कि आपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया? मैं बीजेपी में था 2019 में। बीजेपी में अच्छे आदमियों की, ईमानदार आदमियों की कीमत नहीं। और बालाघाट जिले में गौरीशंकर बिशेन ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जेब की पार्टी बना लिया। इसी बात से मैं व्यथित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मैं स्वतंत्र रहा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया और मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली और इसके माध्यम से हम जो भी विकास जिले में करना है और प्रदेश का जो विकास करना है, हम कांग्रेस पार्टी, हमारे पूरी पार्टी मिलजुल करके हमारा जो एजेंडा होगा, घोषणा पत्र होगा, वो सारे बिंदु हम लागू करेंगे। कमलनाथ जी ने 11 वचन का संकल्प लिया है, पूरा वो पूरा करेंगे और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है मध्य प्रदेश में और कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली, कांग्रेस सरकार बनने वाली। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने सेकंड लिस्ट जारी की, बीजेपी की सेकंड लिस्ट जारी हुई है अभी कुछ दिन पहले, इसमें कई सांसद है, कई केंद्रीय मंत्री है, इनको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लगता है क्या वजह होंगी जो इतने सीनियर लोगों को लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा रही है पार्टी? क्या है, इनने 18 सालों में कुछ किया नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, तबाह किया है और न कोई समस्या हल कर पाया। तो शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो डरा हुआ है। अब उन्होंने अंतिम दाव लगा दिया है भारत सरकार को उतार करके, लेकिन जनता इनको इस बार माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि 4 साल पहले हटा देना था इनको और हटाए नहीं। अब जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने शिवराज सरकार है, अगली बार जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री उतार दिए, सांसद उतार दिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जनता इस बार इनको माफ़ नहीं करेगी और कमलनाथ जी की सरकार, एक ओर अकेले कमलनाथ जी है तो दूसरी ओर पूरी भारत सरकार मैदान में उतरी है। अंतिम सवाल, क्या मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, क्या मानते हैं आप? 101% कमलनाथ, जितनी खुफिया एजेंसियाँ सब ने सरकार को बता दिया है, केंद्र सरकार को, भाजपा की और मध्य प्रदेश सरकार को, कि 40-50 सीट के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं मिलना है। अब उसी के डर से इन्होंने जो है पूरे सांसद और मंत्री को उतारा। तो ये थे बोसी भगत, बालाघाट के पूर्व सांसद है, इन्होंने हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनका ये कहना था कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में रिपीट होंगी। हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़, बालाघाट।